good morning children how are you welcome to maths class 6 chapter 12 ratio proportion and unitary method part 4 today we will discuss some more examples in previous video we discussed some examples children so let's start with some more examples in a year रीमा अर्न्स रुपीज़ टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड सेव्स रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ए मनी डेट रीमा सेव्स टू द मनी सी अर्न्स इन अ ईयर क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि रेशियो फाइंड करना है मनी डेट रीमा सेव्स मतलब रीमा का जो सेविंग है उसका रेशियो निकालना है उसके अर्निंग से मनी सी अर्न से तो क्वेश्चन में है चिल्ड्रेन दिया हुआ रीमा अर्न रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ये अर्निंग हो गया रीमा का और सेविंग है रीमा का फिफ्टी थाउजेंड थाउजेंड ठीक है तो सेविंग टू अर्निंग तो इस डेटा से निकल जाएगा चिल्ड्रेन लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में है मनी डैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स इन अ ईयर इसमें आपको फाइंड करना है सेविंग्स से स्पेंडिंग का रेशियो तो मनी कितना वो स्पेंड करती है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ चिल्ड्रेन तो इसको पहले निकाल लेंगे कि हाउ मच मनी सी स्पेंड्स बिकॉज मनी स्पेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल अर्निंग माइनस सेविंग क्योंकि अर्निंग में सेविंग को माइनस करेंगे बाकी स्पेंडिंग निकलेगा चिल्ड्रन स्पेंडिंग को एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं मतलब खर्चा आमदनी में बचत को अगर माइनस करेंगे तो खर्च निकल जाएगा तो मनी रीमा अर्नस इक्वल टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज गिवेन इन द क्वेश्चन मनी रीमा सेव्स इक्वल टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड दिस इज ऑल्सो गिवेन मनी रीमा स्पेंड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू मनी स्पेंट इक्वल टू रुपीज टू लैख टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड इक्वल टू रुपीज टू लैख अब ये तीनों डेटा आ गया चिल्ड्रेन अर्निंग सेविंग और स्पेंडिंग अब जिसका जिससे रेशियो निकालना है वो निकाल लीजिए नंबर ए में है मनी रेशियो ऑफ मनी डैट री, रीमा सेव्स टू द मनी सी अर्नस इक्वल टू क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन फिफ्टी थाउजेंड इज टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है फिफ्टी थाउजेंड है फिफ्टी थाउजेंड से एक कट जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देखिए फिफ्टी थाउजेंड में कितना जीरो है चिल्ड्रेन फोर जीरोज है फ़ोर जीरो से फोर ज़ीरोज़ को कैंसिल कीजिए मतलब टेन थाउजेंड से डिवाइड हो गया दोनों अब देखिए फाइव और ट्वेंटी फाइव बचा तो फाइव बन जा फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव इसको फाइव से डिवाइड कर दिए इसको भी फाइव से डिवाइड कर दिए तो वन इज टू फाइव बचा चिल्ड्रेन तो आंसर हो गया वन इज टू फाइव सेकेंड है रेशियो ऑफ मनी डैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड इज टू कितना मनी स्पेंड करती है टू लाख तो फिफ्टी थाउजेंड इज टू टू लाख अब देखिए फिफ्टी थाउजेंड में फोर जीरोज है कम से कम अब टू लाख में फ़ाइव जीरोज है तो यहाँ पर फोर जीरोज़ को कैंसिल कर देंगे फोर जीरो से फोर ज़ीरो को ठीक है अब इधर बचा फाइव और इधर बचा ट्वेंटी तो फाइव के टेबल में ट्वेंटी आता है मतलब फाइव बन जा फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी तो वन इज टू फोर हो गया तो आंसर हो गया वन इज टू फोर सेविंग और स्पेंडिंग का रेशियो है वन टू फोर और सेविंग और अर्निंग का रेशियो है वन टू फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ टू थाउजेंड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल सेवन हंड्रेड फिफ्टी ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल एट हंड्रेड ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड द रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू दोज हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस चिल्ड्रेन यहाँ पर क्वेश्चन है कि टू थाउजेंड स्टूडेंट्स है स्कूल में जिसमें कि सेवन हंड्रेड फिफ्टी बास्केट के लिए ऑप्ट किए मतलब बास्केटबॉल ऑफ खेलना पसंद किए और एट हंड्रेड क्रिकेट ऑप्ट किए और रिमेनिंग टेनिस ऑप्ट किए तो रिमेनिंग जो है टेनिस कितना ऑप्ट किए चिल्ड्रेन इसको हमको निकाल लेना है कैसे क्योंकि बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट कर देंगे तो एट सेवन फिफ्टी प्लस एट हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी और फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी को माइनस कर देंगे टू थाउजेंड में तो फोर हंड्रेड फिफ्टी आ गया टेनिस का ठीक है अब रेशियो जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू दोज हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू थाउजेंड है चिल्ड्रेन गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस टू थाउजेंड माइनस एट हंड्रेड प्लस सेवन फिफ्टी इक्वल टू फोर हंड्रेड फिफ्टी ए फाइंड कर लिए अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नंबर ए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस इक्वल टू सेवन फिफ्टी इज टू फोर फिफ्टी ठीक है सेवन फिफ्टी बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का फोर फिफ्टी आया था अब दोनों का कॉमन फैक्टर देखिए पहले तो टेन से डिवाइड कर दीजिए दोनों को मतलब वन वन जीरो कट गया सेवेंटी फाइव और फोर्टी फाइव बचा अच्छा सेवेंटी फाइव और फोर्टी फाइव का कॉमन फैक्टर फाइव है कॉमन फैक्टर है फिफ्टीन देखिए फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव और फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी थ्री तो फिफ्टीन से दोनों कैंसल हो गया ये फाइव टाइम्स में और ये थ्री टाइम्स में तो फाइव इज टू थ्री आ गया चिल्ड्रेन तो इसलिए आंसर हो गया फाइव इज टू थ्री ठीक है इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में करके कैंसल कर सकते हैं नंबर बी है चिल्ड्रेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट टू दोज हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल तो लिख देंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल इक्वल टू एट हंड्रेड इज टू सेवन फिफ्टी ठीक है क्रिकेट के लिए एट हंड्रेड ऑप्ट किए हैं और बास्केटबॉल के लिए सेवन फिफ्टी तो यहाँ पर क्रिकेट पहले है चिल्ड्रेन तो एट हंड्रेड पहले लिखेंगे है ना अब ये क्वेश्चन से ये दोनों को ऐसे पहले नहीं लिखेंगे सेवन फिफ्टी पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि बास्केटबॉल टू क्रिकेट हो जाएगा सेवन फिफ्टी इज टू एट हंड्रेड अब क्रिकेट टू बास्केट बॉल तो क्रिकेट को पहले लिखेंगे ठीक है तो एट हंड्रेड इज टू सेवन फिफ्टी ये हमेशा याद रखना है जो पहले है क्वेश्चन में उसको पहले लिखेंगे उस फिगर को तो एट हंड्रेड इज टू सेवन फिफ्टी अब दोनों का कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे पहले तो टेन से कैंसिल करेंगे तो वन जीरो वन जीरो कट गया दोनों का अब देखिए यहाँ एट्टी है और यहाँ सेवेंटी फाइव है दोनों का कॉमन फैक्टर है फाइव फाइव से एट्टी कटेगा सिक्सटीन टाइम्स में और फाइव फिफ्टीन टाइम में सेवेंटी फाइव जाएगा ठीक है फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव और सिक्सटीन फाइव जा एट्टी तो सिक्सटीन इज टू फिफ्टीन ये आंसर हो गया चिल्ड्रन। एंड सी नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हु ऑप्टेड बास्केटबॉल है चिल्ड्रन कितना सेवन फिफ्टी क्वेश्चन में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है चिल्ड्रन टू थाउजेंड तो सेवन फिफ्टी इज टू टू थाउजेंड यही ध्यान देना है जो डेटा है उसको लिख देना है बास्केटबॉल इज टू टोटल तो सेवन फिफ्टी इज टू टू थाउजेंड अब इसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल कीजिए पहले तो एक जीरो एक जीरो कैंसिल कीजिए मतलब एक जीरो कैंसिल करने का मतलब टेन से दोनों को डिवाइड कर दिए तो सेवेंटी फाइव और टू हंड्रेड बचा सेवेंटी फाइव और टू हंड्रेड का कॉमन फैक्टर कितना होगा चिल्ड्रेन ट्वेंटी फाइव से दोनों जाएगा ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव होता है तो यहाँ थ्री आ गया और ट्वेंटी फाइव के टेबल में एट टाइम्स में टू हंड्रेड आएगा ट्वेंटी फाइव एट जा टू हंड्रेड ठीक है ट्वेंटी फाइव फोर जा वन हंड्रेड होता है तो ट्वेंटी फाइव एट जा टू हंड्रेड होगा तो थ्री इज टू एट थ्री इज टू एट आपका आंसर हो गया ठीक है चिल्ड्रेन नेक्स्ट एग्जाम्पल द कास्ट ऑफ अ डजन कैलकुलेटर्स इज रुपीज़ सेवन फिफ्टी एंड द कास्ट ऑफ सेवन पायलट पेन्स इज़ रुपीज़ थ्री हंड्रेड फिफ्टीन फाइंड द रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ कैलकुलेटर टू द कास्ट ऑफ अ पायलट पेन यहाँ पर दिया हुआ चिल्ड्रेन वन डजन कैलकुलेटर का कॉस्ट है रुपीज़ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन डोजन डजन मीन्स कितना होता है चिल्ड्रेन आपको याद रखना है ट्वेल्व होता है वन डोजन मीन्स ट्वेल्व मीन्स कि ट्वेल्व कैलकुलेटर का कॉस्ट है रुपीज सेवन ट्वेंटी तो वन कैलकुलेटर का कॉस्ट आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा ठीक है ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे सेवन ट्वेंटी को तो सिक्सटी रुपीज़ जा आ जाएगा वन कैलकुलेटर का कॉस्ट और यहाँ पर दिया हुआ चिल्ड्रेन सेवन पायलट पेंस का कॉस्ट है थ्री हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है तो वन पायलट पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन सेवन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन डिवाइडेड बाय सेवन कर देंगे ठीक है तो ये फोर्टी फाइव रुपीज आ जाएगा अब उसके बाद रेशियो फाइंड कर देंगे फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर यहाँ पर ध्यान देना है क्वेश्चन चिल्ड्रन एक कैलकुलेटर के कॉस्ट का रेशियो निकालना है वन एक पायलट पेन के कॉस्ट से ठीक है तो दोनों का वन वन का कीमत निकाल लेंगे यहाँ वन डोजन का है और यहाँ सेवन का है कॉस्ट दिया हुआ है तो इसका वन डोजन का निकल गया ट्वेल्व से डिवाइड करके सिक्सटी और इसको सेवन से डिवाइड करके निकल गया फोर्टी फाइव अब आराम से इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे तो एसोल्यूशन हो जाएगा चिल्ड्रेन कॉस्ट ऑफ अ डोजन कैलकुलेटर्स इक्वल टू रुपीज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर इक्वल टू सेवन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इक्वल टू रुपीज़ सिक्सटी ये कैलकुलेट करके जैसे बताया ट्वेल्व से डिवाइड करके इसको निकालिएगा ठीक है अब कॉस्ट ऑफ़ सेवन पायलट पेन इक्वल टू रुपीज़ थ्री हंड्रेड फिफ्टीन ये गिवन है तो कॉस्ट ऑफ़ वन पायलट पेन हो जाएगा रुपीज़ थ्री फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सेवन इक्वल टू रुपीज़ फोर्टी फाइव ठीक है तो वन कैलकुलेटर का कॉस्ट हो गया सिक्सटी और वन पेन का कॉस्ट हो गया रुपीज़ फोर्टी फाइव नाउ रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए कैलकुलेटर टू द कॉस्ट ऑफ अ पाइलोट पेन इक्वल टू सिक्सटी इज टू फोर्टी फाइव इक्वल टू फोर इज टू थ्री कैसे चिलेन सिक्सटी और फोर्टी फाइव का कॉमन फैक्टर है फिफ्टीन देखिए तो सिक्सटी जो है फिफ्टीन से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये फोर टाइम्स में फिफ्टीन गोज टू सिक्सटी फोर टाइम्स एंड फिफ्टीन गोज टू फोर्टी फाइव इन टाइम्स तो फोर इंजू थ्री तो आंसर हो गया आपका फोर इंजू थ्री ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कंसीडर द स्टेटमेंट द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज थ्री टू फाइव कंप्लीट द गिवन टेबल डेट शोज पॉसिबल ब्रेड एंड लेंथ ऑफ द हॉल चिल्ड्रेन यहां पर ये टेबल में दिया हुआ है स्टेटमेंट है कि रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज थ्री इज टू फाइव ब्रेड और, और लेंथ का जो रेशियो है थ्री इज टू फाइव है जैसे देखिए यहाँ पर एक हॉल का ब्रेथ है फिफ्टीन सपोज फिफ्टीन मीटर इन मीटर है फिफ्टीन और लेंथ है ट्वेंटी फाइव मीटर दोनों का रेशियो कितना होगा चिल्ड्रेन थ्री टू फाइव क्योंकि फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव करेंगे तो फाइव थ्री या फिफ्टीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो ये थ्री टू फाइव आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ए फील करना अगर लेंथ यहाँ फिफ्टी है तो ब्रेथ कितना होगा चिल्ड्रेन तो वही थ्री टू फाइव का रेशियो रहेगा थ्री टू फाइव का रेशियो लाने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर फिल होगा चिल्ड्रेन ये आपको दिखाना है जैसे देखिए इसको इस तरीके से अब आप, आप समझ सकते हैं ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी लेंथ ट्वेंटी फाइव है यहाँ तो ब्रेथ है फिफ्टीन तो लेंथ फिफ्टी हो गया मतलब ट्वेंटी फाइव का डबल हो गया फिफ्टी ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी तो ब्रेथ भी डबल हो जाएगा फिफ्टी टू जा थर्टी तो इस तरीके से ये ब्रेथ हो जाएगा थर्टी बाई थर्टी और लेंथ हो जाएगा फिफ्टी थर्टी बाई फिफ्टी भी थ्री इज टू फाइव आया देखिए जीरो जीरो कट जाएगा तो थ्री बाई फाइव मतलब थ्री इंजू फाइव रेशियो आ गया अब यहाँ फोर्टी फाइव ब्रेड है तो लेंथ कितना होगा चिल्ड्रेन तो इसी से आप देख लेंगे देखिए फिफ्टीन के टेबल में फोर्टी फाइव आता है थ्री टाइम्स में फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव तो यहाँ लेंथ ट्वेंटी फाइव को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव तो फोर्टी फाइव 75 सेवेंटी फाइव ये दोनों का रेशियो भी थ्री टू फाइव आएगा ठीक है चिल्ड्रन क्योंकि फाइव फिफ्टीन दोनों का कॉमन फैक्टर है फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव और फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव थ्री टू फाइव आ जाएगा ठीक है तो रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ हॉल इज थ्री टू फाइव ये तो दिया हुआ है अब इस तरीके से ये आंसर फिल हो गया थर्टी और यहाँ पर सेवेंटी फाइव ठीक है चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं डिवाइड थर्टी सिक्स कॉपीज बिटवीन विनीत एंड नीलू इन द रेशियो ऑफ फोर इंस टू फाइव देखिए डिवाइड करने के लिए सीखे थे जैसे फोर इंस टू फाइव के रेशियो में थर्टी सिक्स कॉपीज को डिवाइड करना मीन्स की थर्टी सिक्स कॉपीज है और विनीत और नीलू में डिवाइड करना है इन द रेशियो फोर टू फाइव अगर फोर टू फाइव का मतलब क्या हुआ अगर विनीत को फोर कॉपीज़ मिलेगा तो नीलू को फाइव कॉपीज मिलेगा मतलब नीलू को ज़्यादा मिलेगा विनीत और नीलू का रेशियो यहाँ पर फोर इज टू फाइव है तो थर्टी सिक्स कॉपीज में से विनीत को कितना मिलेगा और नीलू को कितना मिलेगा तो सम ऑफ़ द टू पार्ट्स ऑफ द रेशियो इक्वल टू फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन सबसे पहले जब डिवाइड करना रहता है गिवन रेशियो में चिल्ड्रन किसी नंबर को तो रेशियो को सम कर लेते हैं फोर इज टू फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन हो गया दोनों पार्ट का सम नाइन अब फर्स्ट पार्ट क्या होगा चिल्ड्रेन फोर आउट ऑफ नाइन ये टोटल तो नाइन है नाइन में से फोर कॉपीज विनीत को मिलता है और फाइव कॉपीज नीलू को मिलता है ठीक है अगर टोटल कॉपीज नाइन होता तो फोर विनीत को मिलता और नाइन फाइव नीलू को मिलता तो फोर इंटू फाइव का रेशियो होता फोर प्लस फाइव नाइन लेकिन यहां कॉपी है थर्टी सिक्स मतलब नाइन फोर जा थर्टी सिक्स नाइन का फोर टाइम्स है तो विनीत को भी फोर टाइम्स मिलेगा फोर का तो सिक्सटीन और नीलू को भी फोर टाइम्स मिलेगा फाइव फोर या ट्वेंटी मतलब सिक्सटीन और ट्वेंटी कॉपी मिलेगा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी कितना होता है थर्टी सिक्स तो इसी को क्वेश्चन से बनाएंगे सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे चिल्ड्रेन इट इम्प्लाई डेट आउट ऑफ नाइन कॉपीज विनित विल गेट फोर एंड नीलो विल गेट फाइव फोर प्लस फाइव नाइन का मतलब हुआ कि नाइन में से फोर विनित को मिलेगा और फाइव नीलू को मिलेगा तो देरफोर नंबर ऑफ कॉपीज गेट्स इक्वल टू फोर बाई नाइन मतलब फोर आउट ऑफ नाइन इंटू थर्टी सिक्स क्योंकि विनित को मिलता है फोर आउट ऑफ नाइन और हमको थर्टी सिक्स कॉपी दिया हुआ तो थर्टी सिक्स का फोर बाई नाइन निकाल लेना है तो देखिए फोर बाई नाइन इंटू थर्टी सिक्स कितना होगा चिल्ड्रेन इन नाइन और थर्टी सिक्स को कैंसिल कीजिए कॉमन फैक्टर नाइन वन जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो नोमिनेटर आ गया फोर इंटू फोर सिक्सटीन और डिनोमिनेटर तो वन हो गया मतलब सिक्सटीन बाई वन इक्वल टू सिक्सटीन तो नंबर ऑफ कॉपीज़ विनीत गेट्स इक्वल टू सिक्सटीन एंड नंबर ऑफ कॉपीज़ नीलू गेट्स इक्वल टू फाइव आउट ऑफ नाइन नीलू को मिलता है फाइव आउट ऑफ नाइन फाइव आउट ऑफ नाइन और इंटू थर्टी सिक्स क्योंकि टोटल कॉपीज है थर्टी सिक्स अब यहाँ अगेन नाइन वन जे नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो नोमिनेटर हो गया फाइव फोर जाट ट्वेंटी डी नोमिनेटर तो वन हो गया तो वन तो नहीं लिखते हैं तो ये हो गया ट्वेंटीज़ इस ढंग से विनित को मिला सिक्सटीन कॉपीज और नीलू को मिला ट्वेंटी कॉपीज टोटल ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन कितना हो गया चिल्ड्रेन थर्टी सिक्स कॉपीज थर्टी सिक्स कॉपीज़ को विनित और नीलू को बीच में डिवाइड कर दिए फोर इंस टू फाइव के रेशियो में देखिए सिक्सटीन बाई ट्वेंटी करेंगे तो फोर इंस टू फाइव ही आएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी दोनों का कॉमन फैक्टर है 4, तो फोर 4, फोर 4 16, 4 फोर फाइव या ट्वेंटी टू फोर बाई फाइव आया चिल्ड्रेन मतलब फोर इज टू फाइव आया इस ढंग से एक क्रॉस चेक कर लिए इसको है ना ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मदर वांट्स टू डिवाइड रुपीज थर्टी सिक्स बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस अब मदर के पास थर्टी सिक्स है वो डिवाइड करना चाहती है अपने डॉटर श्रेया और भूमिका के बीच में उनके एजज के रेशियो में अब उनका एज कितना है श्रेया का एज है फिफ्टीन ईयर्स और भूमिका का एज है ट्वेल्व ईयर्स मतलब फिफ्टीन इंस टू ट्वेल्व के रेशियो में डिवाइड करना है थर्टी सिक्स रुपीज़ को है ना जिनका एज ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा मनी मिलेगा जिनका एज कम होगा कम मिलेगा क्योंकि एजेज के रेशियो में है तो फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट श्रेया और भूमिका को कितना मिलेगा तो एज ऑफ इक्वल टू फिफ्टीन ईयर्स एज ऑफ भूमिका इक्वल टू ट्वेल्व ईयर्स टोटल मनी टू बी डिवाइडेड इक्वल टू रुपीज थर्टी सिक्स है क्वेश्चन में द सम ऑफ टू पार्ट ऑफ द रेशियो फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इट इंप्लाइज दैट इफ देर आर ट्वेंटी सेवन रुपीज श्रेया विल गेट फिफ्टीन रुपीज अगर ट्वेंटी सेवन रुपीज होता तो श्रेया को फिफ्टीन मिलता और भूमिका को ट्वेल्व मिलता ठीक है तो भूमिका विल गेट रुपीज ट्वेल्व गेट्स इक्वल टू रुपीज फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सिक्स अब श्रेया को फिफ्टीन आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन मिल रहा था फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सिक्स क्योंकि तो टोटल मनी यहाँ पर थर्टी सिक्स है अब इसको सिंपल करेंगे चिल्ड्रेन सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए ये ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन थ्री से डिविजिबल है तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ये तो फाइव बाई नाइन हो गया ये नाइन से कैंसिल हो जाएगा थर्टी सिक्स नाइन बन जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स नीचे बना गया और ऊपर आ गया फाइव फोर जा ट्वेंटी तो श्रेया को मिल गया रुपीज़ ट्वेंटी एंड भूमिका को कितना मिलेगा चिल्ड्रेन ट्वेल्व आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन रुपीज अगर होता तो भूमिका को ट्वेल्व मिलता उसके एज के रेशियो में तो ट्वेल्व आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सिक्स तो अगेन ट्वेल्व बाई ट्वेंटी सेवन को पहले इसको कैंसिल कीजिए ट्वेल्व और ट्वेंटी सेवन का कॉमन फैक्टर थ्री है थ्री फोर जा और नाइन 9 ट्वेंटी सेवन फोर बाई नाइन आया चिल्ड्रन अभी नाइन वन जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स नाइन से थर्टी सिक्स कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा फोर इंटू फोर ध्यान दीजिएगा फोर, फोर जा रुपीज सिक्सटीन नीचे तो बना गया इस तरीके से भूमिका को मिल गया सिक्सटीन रुपीज दोनों का सम कितना हुआ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स रुपीज डिड हो गया फिफ्टीन इज के रेशियो में ठीक है लास्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया इज ट्वेल्व ईयर्स द एज ऑफ प्रियाज फादर इज फोर्टी टू ईयर्स प्रियाज मदर इज सिक्स ईयर्स यंगर टू हर फादर फ़ाइंड द रेशियो ऑफ यहाँ पर चिल्ड्रेन प्रिया का प्रजेंटेज ट्वेल्व ईयर्स दिया हुआ है उसके फ़ादर का प्रजेंटेज फोर्टी टू ईयर्स दिया हुआ है ठीक है और प्रिया के मदर का एज जो है वो सिक्स ईयर्स कम है फादर से तो फादर का फोर्टी टू ईयर्स है चिल्ड्रेन तो उसके मदर का एज फोर्टी टू माइनस सिक्स हो जाएगा तो सारा पहले निकाल लेंगे प्रजेंट एज ऑफ प्रिया ट्वेल्व ईयर्स प्रजेंट एज ऑफ प्रियाज फादर फोर्टी टू ईयर्स प्रजेंट एज ऑफ प्रियाज मदर इक्वल टू फोर्टी टू माइनस सिक्स क्योंकि फादर से सिक्स इयर्स छोटी है मदर तो फोर्टी टू माइनस सिक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स ईयर्स ठीक है अब जो रेशियो फाइंड करना हो रेशियो निकाल देंगे प्रजेंट एज ऑफ प्रिया टू हर मदर्स एज दे रेशियो ऑफ प्रजेंट एज ऑफ प्रिया टू हर मदरस एज इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन ट्वेल्व एज टू थर्टी सिक्स प्रिया का एज है ट्वेल्व और मदर का एज है थर्टी सिक्स जो हम लोग फाइंड किए भी तो ट्वेल्व इज टू थर्टी सिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स कैंसिल हो रहा है ट्वेल्व वन जा 12 ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स तो वन इज टू थ्री आ गया ठीक है अब प्रेजेंट एज ऑफ प्रियाज फादर टू द एज ऑफ हर मदर तो प्रिया के फादर का एज है चिल्ड्रेन फोर्टी टू ईयर्स और मदर का थर्टी सिक्स तो फोर्टी टू इज टू थर्टी सिक्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है चिल्ड्रेन सिक्स है कॉमन फैक्टर जैसे फोर्टी टू कितना टाइम्स में जाएगा सिक्स सेवन जा फोर्टी टू और सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स तो सेवन इज टू सिक्स आ गया चिल्ड्रेन ठीक है अब नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रियाज मदर व्हेन प्रियाज एज वाज टेन इयर्स प्रिया का जब एज टेन इयर्स था चिल्ड्रेन तो उसके मदर से रेशियो निकालना है तो प्रिया का मदर का एज कितना होगा चिल्ड्रेन थर्टी सिक्स माइनस टू इक्वल टू थर्टी फोर ईयर्स होगा जब प्रिया का एज टेन ईयर्स था तो मदर का एज थर्टी फोर ईयर्स था क्योंकि अभी जो है प्रिया का एज कितना है ट्वेल्व ईयर्स है तो जब प्रिया टेन ईयर्स की थी मतलब दो साल पहले टेन ईयर्स की थी अभी प्रेजेंट एज है ट्वेल्व ईयर्स तो दो साल पहले उसका टेन ईयर्स था तो मदर का एज भी दो साल पहले थर्टी फोर ईयर्स हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर ईयर्स तो एज ऑफ प्रियाज मदर वैन प्रियावाज टेन ईयर्स ओल्ड इक्वल टू थर्टी फोर ईयर्स देयर फॉर रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन टेन इज टू थर्टी फोर ठीक है क्योंकि यहाँ पर रेशियो निकालना है प्रिया का एज से उसके मदर का एज का जब प्रिया दस साल की थी तो प्रिया दस साल की थी तो टेन इज टू उस समय मदर थी थर्टी फोर ईयर्स की तो टेन इज टू थर्टी फोर अब देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है टू है टू से काटेंगे टेन को टू फाइव जा टेन और टू से काटेंगे थर्टी फोर को टू सेवेंटीन जा थर्टी फोर तो फाइव इज टू सेवेंटीन ये फाइव इज टू सेवेंटीन आंसर आ गया चिल्ड्रेन और नंबर डी में है चिल्ड्रेन एज ऑफ प्रियाज फादर टू द एज ऑफ हर मदर टेन ईयर्स एगो है ना प्रिया के फादर का एज का रेशियो निकालना है उसके मदर के एज के रेशियो से दस साल पहले का तो एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ मदर टेन ईयर्स एगो कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन थर्टी टू एज टू ट्वेंटी सिक्स क्यों क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ फादर है फोर्टी टू दस साल पहले फादर का एज कितना था चिल्ड्रेन फोर्टी टू माइनस टेन करेंगे तो थर्टी टू और दस साल पहले मदर का एज भी करना है तो प्रेजेंट एज मदर का है थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स माइनस टेन करेंगे क्योंकि दस साल पहले दोनों का एज दस साल कम था तो फादर के एज में भी टेन माइनस कर दिए मदर के एज में भी टेन माइनस कर दिए तो फादर का दस साल पहले का एज आ था। no. था। गया थर्टी टू मदर के दस साल का पहले का एज आ गया ट्वेंटी सिक्स तो रेशियो हो गया थर्टी टू इज टू ट्वेंटी सिक्स अब दोनों को कैंसिल कर सकते हैं कितना से कटेगा टू से दोनों कैंसिल होगा टू गोज़ टू थर्टी टू इन सिक्सटीन टाइम एंड टू गोज टू ट्वेंटी सिक्स इन थर्टीन टाइम सिक्सटीन इज टू थर्टीन ये आंसर हो गया चिल्ड्रेन आपका सिक्सटीन इज टू थर्टीन ठीक है चिल्ड्रेन तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। पॉइंट वन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सीरीज प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो एट द अर्एस्ट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू हेल्प मोर एंड मोर स्टूडेंट्स थैंक यू